नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने, लगभग 7.5% ये स्टॉक तेजी दिखाया है। और तेजी की बात करें तो इस स्टॉक में एक बार तेजी आ गई, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेट किया, ना ही गिरावट और ना ही तेजी। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इस स्टॉक में जो आज के दिन तेजी देखने को मिली है, मतलब जो तेजी की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट लगभग देखा है तो 510% का जंप है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, 510% का मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है, कहां कंपनी 3 करोड़ और 5 करोड़ में जो है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का, और अभी इस बार की बात करें लगभग 20 करोड़ के ऊपर जो है कि टच किया है, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में और भी तेजी रहेगी दोस्तों, मतलब अभी तेजी रुकने का नाम नहीं ले सकती, जो कि मेरा पॉइंट रहेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करें तो 7.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेट करता है, ना ही अप्स ना ही डाउन, मतलब देख सकते हैं एक फ्लैट ही आप इसको कह सकते हैं वापस, मतलब जो एक बार तेजी आ गई दोस्तों तेजी आ गई। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर को अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ना ही गिरावट, एक सडनली। देखिए दोस्तों इस स्टॉक की खासियत क्या है कि इस स्टॉक में तेजी जब भी आती है ना तो सडनली तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप 5 दिन के चार्ट से थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी आपको यही देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे तेजी, मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस स्टॉक में भी एक सडनली तेजी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 51% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, जैसा कि आप इसके चार्ट से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। मतलब ये स्टॉक एक चलता रहता है, उसके बाद एक तेजी देखने को मिलती है, वापस जो है तेजी देख सकते हैं, मतलब गिरावट फिर तेजी। 1 साल में देखेंगे तो 73% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस स्टॉक में एक सडनली तेजी देखने को मिलती है, यहाँ से यहाँ तक वापस एक कंसोलिडेट, वापस तेजी, वापस मतलब देखा जैसे तो थोड़ा चार्ट छोटा है, ऐसे में अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 158% का रिटर्न बना के दिया, और तेजी भी आप देखेंगे तो आपको इसी टाइप की तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम मैक्जोन चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्जोन चार्ट पैटर्न में भी देखें तो 450% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। ये भी कंपनी 1 अप्रैल 2015 को मार्केट में आती है 55 रुपये की प्राइस पे, जो कि देखा है तो अभी 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी, मतलब जो अभी रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में इस स्टॉक ने एक नया हाई भी लगाया था। हालांकि दोस्तों अभी स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ इस स्टॉक में और भी तेजी कैसे रहेगी दोस्तों उससे रिलेटेड भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताया 7.5% आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस स्टॉक में मतलब देखा जाए तो रिसेंट में ही तेजी भी देखने को मिली थी। 5 अप्रैल को देख सकते हैं ये स्टॉक एक नया हाई लगाता है, लो की बात करें तो 13 मई 2022 को कंपनी लगाती है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में आज के दिन एक अच्छा खासा वैल्यूम बना है, हालांकि देखा जाए तो वैल्यूम अच्छा खासा बनता भी है, जो कि पहले की बात करें वहीं पर अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 45% के आसपास उठाया गया है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, अगर हम इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये कंपनी 10 रुपये 20, मतलब माफ़ करना, 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसे के आसपास डिविडेंड पे करती है। अगर हम इस बार की बात करें तो ये कंपनी जो है कि साल में एक ही बार डिविडेंड पे करती है दोस्तों, और इस बार की बात करें लगभग 20 पैसे के आसपास डिविडेंड पे किया है। हालांकि दोस्तों स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक आज के दिन 7.5% तो जो है कि नॉर्मल मतलब रिटर्न मिला है अपने को, लेकिन हाँ इंट्राडे हाई की बात करें तो आज के दिन ये स्टॉक जो है कि 14% 15% की तेजी दिखाया था, जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 13% की तेजी देखने को मिलेगी। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो है कि ड्रोन से रिलेटेड काम करती है, मतलब ड्रोन बनाती है दोस्तों, देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर को जो है कि बिलोंग करती है। 8% की स्टॉक ने तेजी दिखाया था लगभग 11:15 बजे के आसपास, जैसा कि यहाँ पे आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। वहीं पे कंपनी ने जो कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट है दोस्तों 510% का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट दोस्तों उसको जो है कि दर्ज किया है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है 510% का जंप है। अगली बार की बात करें तो कंपेयर 3 करोड़ कंपनी ने कमाया था। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 215% के आसपास जो है ग्रो हुआ है, 96 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जो है कि प्रेजेंट किया है। वहीं पर अगर हम अगले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के पास लगभग देखा जाए तो 9 करोड़ का जो कि मतलब प्रॉफिट था, और अभी की बात करें तो लगभग देखा जाए तो कंपनी के पास 20 करोड़ का है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में फ्यूचर में और भी तेजी कैसे रह सकती है, सबसे पहले आपसे बता दें, देखिए कंपनी के जो मतलब CMD है दोस्तों, CMD कौन है, अशोक अतुलारी की बात करें तो वो क्या कहते हैं दोस्तों, उनका कहना यही है कि देखिए आने वाले समय में कंपनी के पास मतलब 473 करोड़ का जो कि ऑर्डर बुक है स्ट्रांग है। वहीं पर इस क्वार्टर में कंपनी लगभग 141 करोड़ का कंपनी ने ऑर्डर बुक भी पाया है इस क्वार्टर में, ड्यूरिंग द क्वार्टर में दोस्तों, मतलब इसी क्वार्टर में जो है कंपनी ने एक्सपेक्ट भी किया है, मतलब पाया है। और आने वाले समय में दोस्तों जो कंपनी का ऑर्डर बुक है और भी स्ट्रांग रहेगा, और कंपनी के जो ग्रोथ है दोस्तों, मतलब जो यहाँ पे एक्सपेक्टिंग ग्रोथ, गुड ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर, मतलब आने वाला जो क्वार्टर रहेगा दोस्तों उसमें और भी कंपनी अच्छा करेगी, ऐसा कंपनी के जो कि CEO MD CMD जो भी आप कह सकते हैं।
वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी 20 पैसे का डिविडेंड दिया है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी इतना ही डिविडेंड पे करती है जैसा कि हमने देख लिया। हालांकि दोस्तों जो रिटेलर इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि आप मतलब क्या है कि बहुत हैवी अमाउंट तो इस स्टॉक में निवेश करके नहीं चलना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्रमोटर के पास आज भी देखा है तो 60% का स्टेक है। वहीं पर अगर मैं फाइज की बात करें तो ये फाइज ने भी धीरे धीरे दोस्तों एक्यूमुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 30% मतलब 0.30% में थे और उसके बाद जो है कि 1.5% मतलब सीधा हो गया। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 9 के बराबर थे और अभी भी देखा है तो 9 के बराबर ही है। बहुत हैवी उन्होंने जो है कि इस स्टॉक में निवेश नहीं किया। हालांकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर इस समय कुछ अच्छा कर रहा है तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट सीएमडी की बात कर जो मतलब अच्छा बोल रहे दोस्तों, तो आने वाले समय में देखा जाए तो पूरा डिफेंस सेक्टर ही आसमान में है। ये भी स्टॉक जो दोस्तों मतलब आने वाला समय में अच्छा कर सकता है। वहीं पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखा है तो लगभग 40% का स्टेक पब्लिक के पास है। हालांकि इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, कुछ इसमें अदर्स भी है। हालांकि दोस्तों जिस साइज की कंपनी है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रांग आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों मतलब देखिए उनके सीईओ की बात करें सीएमडी की बात करें तो उन्होंने भी दोस्तों यही बोला है कि जो कंपनी का रिजर्व्स है राजस्व है उसको भी कंपनी ने देखा जाए तो मतलब हाईएस्ट लेवल पर ले गए हैं। मतलब देखा है तो अभी 300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। इसके पहले की बात करें तो इतना खास उनके पास रिजर्व्स पहले नहीं था। यहाँ पर अगर डेट की बात करें तो 6 करोड़ का डेट है जो कि 9 के बराबर है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे सारा कुछ। मतलब देखिए दोस्तों ये क्या है सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, ये मतलब क्या है कंपनी अगर अच्छा करती है तो उसके मतलब क्या है कि इस पे तो आपको जो है कि फोकस बना के ही चलना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम वाला नहीं होता है। ये कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर दोस्तों ये दोनों चलते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के मतलब जो CGR या रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ये जो है कि मतलब लॉन्ग टाइम में कंपनी अच्छा करेगी तो ये सारे जो है कि सुधर जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे CGR देख सकते हैं, वहीं पर अगर हम यहाँ पे रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ये जो है कि आपको मतलब अभी सुधरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू सेल्स है 96 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सारा कुछ जो है कि आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो प्लस माइनस करके मतलब कंपनी अगर 95 लाख के आसपास ने भी जनरेट किया तो उसको जो है कि एक में माना जाता है, जिसके कारण देखा जाए तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों अगर हम वहीं पे इस मतलब कंपनी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का चार्ट जिस हिसाब से है दोस्तों उस हिसाब से देखा तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 5 का 7 हो गया, 7 का 8 हो गया, 8 का 12 हो गया, 12 का सीधा 23 हो गया। सीधा जो है कि डबल किया है कंपनी ने। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक टॉप पे है दोस्तों, तो कोई एज ए पैनिक वाली बात नहीं है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, बहुत सारे रिटेलर नए होंगे तो उनसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों ये कंपनी जो है कि डिफेंस सेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि बिलोंग करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी करती क्या है, ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज में जो है कि कंपनी काम करती है। मतलब जो ड्रोन है दोस्तों ड्रोन से रिलेटेड जो है कंपनी ये काम करती है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें ये कंपनी जो है कि US और जो है कि हैदराबाद में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जेन टेक्नोलॉजी के नाम से। इस कंपनी का जो इंडिया विथ ऑफिसेज इन इंडिया एंड द US में भी कंपनी का ऑफिस है। हालांकि दोस्तों ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों तो इनके ग्रो होने के चांस जितने ही ज़्यादा रहते हैं उतने ही जो है कि गिरावट के भी चांस रहते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के हाई लो सब हमने देखी लिया, पी की बात करें 59 का है, बुक वैल्यू 34 का है, 39 के आसपास है, 40 के आसपास कर सकते हैं। डिविडेंड 9 के बराबर कंपनी पे करती है, ROCE बेस्ट है 1 का फेस वैल्यू। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए तो सबसे पहले जिनके पास भी है आप चाहे तो रैली का एंजॉय ले सकते हैं, लेकिन हाँ जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मतलब अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने आज भी जो है कि 450% का रिटर्न बना के दिया। और इस कंपनी के जो रफ्तार हैं दोस्तों मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब अभी जो आपको तेजी देखने को मिल रही है ना, आने वाले समय में हो सकता है कुछ दिनों तक ये स्टॉक कंसोलिडेट भी कर सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 बार इस कंपनी का जो हिस्ट्री है लगभग यहाँ पे तेजी, उसके बाद मतलब एक कंसोलिडेट उसी रेंज में, उसके बाद तेजी, फिर गिरावट, और यहाँ से यहाँ तक जो है कि स्टॉक नहीं चलता, उसके बाद तेजी, उसके बाद मतलब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और अभी फिर रिसेंट में स्टॉक ने तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों जो मैनेजमेंट है इनके मतलब जो CMD की बात करें तो उन्होंने जो कमेंट्री किया है वो 3 महीने के लिए मेरे हिसाब से देखा है तो स्टॉक में जो मतलब इनका परफॉर्मेंस है दोस्तों हालांकि अच्छा रह सकता है, मैं भी ऐसा मान सकता हूँ, क्योंकि जो इस समय डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियाँ हैं दोस्तों वो जो है कि कुछ अच्छा ही कर रही है। ऐसे में दोस्तों अच्छा कर रही इसका मतलब ये नहीं स्टॉक टॉप पे है दोस्तों। हालांकि जो रिटेलर इस स्टॉक में बाइंग करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करना, क्योंकि आप इसके चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये कंपनी
चलती नहीं दोस्तों तो चलती भी नहीं, ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, अगर इस स्टॉक में तेजी बनी रहती तो ये स्टॉक हो सकता है कि 350 से 400 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है इस समय के माहौल के हिसाब से। अगर वहीं पे गिरावट होती दोस्तों तो देखा जाए तो ये गिरावट की इसके कुछ चांस कम है, फिर भी दोस्तों गिरावट होती तो 280 से 300 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब।